वेलकम टू माय चैनल, वेलकम टू माय ब्लॉग। तो काफ़ी दिन बाद मैं ब्लॉग शूट कर रही हूँ और मैं अपना हेयर ऑयलिंग का ब्लॉग बना रही हूँ। एक्चुअली अभी जो मैं ऑयलिंग कर रही हूँ ना, तो कल रात को मुझे काफ़ी ज़्यादा फीवर था। मैं मेडिसिन लेके सोई थी, तो उसके बाद मॉर्निंग में जाके मेरा फीवर उतरा। तो तबीयत अभी बहुत ज़्यादा ख़राब है, सर्दी, खांसी, ज़ुकाम, हेडेक, बॉडी पेन, जैसे अभी हर जगह पर वायरल चल रहा है। तो मेरे घर में भी सबका हुआ है, एक एक करके हो रहा है, एक एक करके ठीक हो रहा है, ऐसे करके। तो इस बीच में बहुत कुछ हो गया है 10-12 दिन के बीच में। लास्ट मैं ब्लॉग दी थी गणपति का, तो 15 दिन हो गया है। 15 दिन में बहुत कुछ हो गया है। 15 दिन में मैं अपना गणपति को विसर्जन नहीं कर पाई हूँ इस साल, क्योंकि ससुराल का मैं फैमिली में किसी का बेबी हुआ है, तो कुछ रिचुअल्स के वजह से मैं विसर्जन नहीं हो पाया अंदन चतुर्दशी में गणपति जी का। तो इस साल गणपति हमारे घर पे ही है। और उसके बाद मेरा बेटा गिर गया था, जिसके कारण हाथ में उसका बहुत चोट लगा है, शोल्डर में काफ़ी दिन चोट लेके वो रहा। एक हफ्ता तक वो पूरा हाथ को मूव नहीं कर पाता था, बहुत रोता था और उसको पूरा केयर करना पड़ता था, और हम लोगों का भी मूड ठीक नहीं था। इसके बाद अभी थोड़ा बहुत ठीक हुआ है। 50% ठीक होने के बाद फिर मेरा फीवर आ गया है। हस्बैंड का भी तबीयत ठीक नहीं है, तो घर में सबका कुछ ना कुछ हो रहा है, तो इस कारण मैं वीडियो नहीं दे पाई हूँ। तो अभी जाके मैं अपना ऑयलिंग कर रही हूँ, क्योंकि काफ़ी ज़्यादा मुझे कफ सर्दी हो गया है। फीवर उतरने के बाद अच्छे से मैं ऑयलिंग कर रही हूँ थोड़ा रिलीफ लगने के लिए। अपना हेयर ऑयलिंग अच्छे से कर रही हूँ, अच्छे से मसाज कर रही हूँ, ताकि मुझे थोड़ा रिलीफ लगे और काम करने में मुझे एनर्जी लगे। क्योंकि मैं अगर नहीं ठीक रहूँगी तो कैसे करके मैं संभालूँगी घर को और बबी को और हस्बैंड को। तो इसीलिए मैं अपना सबसे पहले ऑयलिंग कर ली हूँ अच्छे से, और सरसों का तेल जैसे मैं की हूँ। एक्चुअली जैसे मेरे को रिक्वेस्ट आया था, मेरे सब्सक्राइबर ने रिक्वेस्ट की थी कि ऑयलिंग करने, एक्चुअली मैं अभी कोकोनट ऑयल से या अदर कोई भी ऑयल से मैं नहीं कर पा रही हूँ, क्योंकि काफ़ी ज़्यादा मुझे ठंड लगी है। इस टाइम में ना मस्टर्ड ऑयल अगर लगाते हैं ना, तो कफ जो है वो मेल्ट होता है और सर्दी में आराम मिलता है। इसीलिए मैं मस्टर्ड ऑयल ही प्रेफर करती हूँ सर्दी के टाइम। अदर जो ऑयल है मैं उसको नहीं लगाती हूँ, क्योंकि उसमें मिनरल ऑयल व ठंडे वाले चीज़ होते हैं, इसलिए ठंड ज़्यादा लग जाती है। तो जब मैं तबीयत मेरा ठीक हो जाएगा पूरा प्रॉपरली, तब जाके मैं कोकोनट ऑयल से ऑयलिंग करूँगी। तो अभी के लिए फ़िलहाल मैं मस्टर्ड ऑयल से ऑयलिंग कर रही हूँ। आई होप कि आप सबको अच्छा लगेगा, और मेरे को जो सब्सक्राइबर रिक्वेस्ट किए थे उनका भी रिक्वेस्ट पूरा होगा, तो ऑयलिंग वीडियो देने के लिए मुझे कहे थे। तो सबसे पहले तो बताना चाहती हूँ, जो मुझे रिक्वेस्ट करते हैं अच्छे अच्छे, उनके लिए बहुत बहुत थैंक यू। आप सब ऐसे करके मुझे अच्छा अच्छा रिक्वेस्ट कीजिए, ताकि मैं अपने ब्लॉग में दिखा पाऊँ। तो ऐसे तो मैं डेली ब्लॉग देना ही प्रेफर करती हूँ, बट लाइफस्टाइल में मेरा जो भी आता है मैं आपसे शेयर करती हूँ, लाइक हेयर ऑयलिंग, स्किन केयर, जो भी कुकिंग वगैरह, बेबी केयर, डेली मॉर्निंग रूटीन, ये सभी तो कोशिश करती हूँ। बट क्या कर सकते हैं, जितने भी मैं सोचती हूँ ना, तबीयत कभी कभार साथ नहीं देते हैं। कहते हैं ना, जो भी आप सोचते हो बट टाइम अगर आपका साथ ना देना तो नहीं कर पाओगे। वैसे ही मैं सोचती हूँ करूँगी, तो अचानक से बेबी का तबीयत ख़राब हो जाता है या मेरा हो जाता है, कुछ ना कुछ कारण, मूड ऑफ रहता है, तो ऐसे करके हो जाता है देरी। तो चलिए अभी अच्छे से मैं कॉम कर ले रही हूँ, क्योंकि ऑयलिंग के बाद बहुत अच्छे से मसाज होने के बाद फिर मैं ऑयलिंग जो हेयर ऑयल हुआ है उसमें बहुत ज़्यादा नॉट्स भी आ जाते हैं, तो अच्छे से मैं कॉम कर ली हूँ। और कॉम करने के बाद थोड़ा बहुत तो हेयर फॉल हो ही गा, बट काफ़ी हद तक कम होता है, ऐसे मेरा नॉट्स ज़्यादा आता नहीं है, बस इतना ही थोड़ा नॉट्स आया था जो हेयर फॉल हुआ मेरा। तो इतना अच्छे से ऑयलिंग करने के बाद अगर इतना थोड़ा नॉट्स निकलता है, हेयर निकलता है, तो कोई बात नहीं, ये तो हो सकता ही है। तो अभी मैं सोच रही हूँ ना कि दो ब्रेड बना लेती हूँ, क्योंकि दो ब्रेड का भी रिक्वेस्ट आया था, तो शायद ये वाला ब्लॉग में रिक्वेस्ट रख पाऊँ मैं। तो दो वाला ब्रेड बना लेती हूँ, ताकि मुझे काम करने में भी इजी हो और ऑयल भी अच्छे से अब्जॉर्ब हो जाए और मुझे थोड़ा सा अच्छा लगे, क्योंकि ना तबीयत एकदम भी अंदर से ठीक नहीं है। देख रहे हैं मेरा चेहरा पूरा उतर गया है, मुंह पूरा सूख गया है,
मुंह में जो स्माइल सा जो है ना वो आ ही नहीं रहा है, क्योंकि अंदर से तबीयत मेरा ठीक नहीं है, कोई भी एनर्जी नहीं है, तबीयत ऐसा। अभी जो वायरल फीवर चल रहा है ना, इसमें ना बहुत ज़्यादा बॉडी पेन कर रहा है, तो बॉडी पेन के वजह से ना वो कोई भी काम में ना अच्छा नहीं लग रहा है। तब पर भी मैं अपना हेयर ऑयलिंग कर रही थी, इसलिए सोची कि नहीं आप सबका भी रिक्वेस्ट रखा जाए और वीडियो बनाया जाए। तो अभी जाके वीडियो तो मैं बना ली थी, बट अभी जाके मैं एडिटिंग करने की टाइम मिला है तो मैं एडिटिंग कर रही हूँ। आई होप आपको कल तक मिल जाएगा और आप सबको अच्छा भी लगेगा। बनाने के बाद मैं देख रही हूँ कि मेरा हेयर थोड़ा तो लॉन्ग हो ही गया है, क्योंकि मैं खाली में हेयर कट की थी तो काफ़ी ज़्यादा शॉर्ट था मेरा हेयर। आप सबका बहुत ज़्यादा दुख हुआ था मैं हेयर शॉर्ट की थी बोल के, तो मैंने कहा था कि नहीं कोई बात नहीं, जल्दी ही हेयर लॉन्ग हो जाएगा। तो मुझे लगता है काफ़ी हद तक शॉर्ट से थोड़ा सा लॉन्ग हुआ ही है। हाँ, पहले जितना लॉन्ग नहीं हुआ है, तब पर भी अच्छा खासा ही लॉन्ग हुआ है, क्योंकि काफ़ी ज़्यादा टाइम नहीं हुआ मेरा हेयर कट करने के लिए, 2 या 3 महीना ही हुआ है हेयर कट हुआ है मेरा। 2-3 महीना में मेरा इतना ज़्यादा हेयर लॉन्ग हुआ है, तो मैं काफ़ी ज़्यादा अच्छा फील कर रही हूँ। ऐसे तो मैं हेयर का कोई अलग से कोई केयर नहीं करती हूँ, नॉर्मली जो होता है ऑयलिंग एंड वाटर से वॉश करना, शैम्पू, बस यही होता है, अलग से मैं कुछ ज़्यादा कुछ करती नहीं हूँ। हाँ, कभी कभार मेहंदी वगैरह लगा लेती हूँ, कभी कभार अच्छा सा एक कम मसाज दे देती हूँ हेयर ऑयल से, और कभी कभार ऐसे ड्राई मसाज दे देती हूँ, यही सब करती हूँ। कोई पैक वगैरह स्पा वगैरह उतना कुछ करती नहीं हूँ मैं, जाके कर सकती हूँ बट अभी फ़िलहाल तो करती नहीं हूँ। तो इसी कारण ऐसे ही करके मेरा हेयर लॉन्ग होता है और काफ़ी ज़्यादा अच्छे से ही हो गया। 3 महीना में आई थिंक काफ़ी अच्छा लॉन्ग हुआ है, आगे जाके 3 महीना और भी लॉन्ग होगा, और लॉन्ग होने के बाद आई होप आप सबको अच्छा लगेगा, क्योंकि मेरा लॉन्ग हेयर आप सबको बहुत ज़्यादा अच्छा लगता है, उसके लिए बहुत बहुत थैंक यू सो मच। तो मुझे भी लॉन्ग हेयर काफ़ी ज़्यादा अच्छा लगता है, बट कभी कभार क्या होता है ना, ट्रिम करना पड़ता है ताकि हेयर अच्छा रहे। फाइनली मेरा हो गया हेयर ब्रेड, तो देखिए कैसा लग रही हूँ, बहुत ज़्यादा चिपकू चिपकू लग रही हूँ, तबीयत मेरा मुंह तो बहुत बेकार लग रहा है, चेहरा। तो चलिए मिलते हैं बहुत ही जल्द एक अलग वीडियो के साथ। लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब प्लीज़। बाय बाय।